Good morning, everyone. We are in Fort Williams, and this is a beautiful valley. This is Ghas, this Wadiya, this Pahar, this Jhule, yeh cottages, they are And you know what I'm thinking? What is on my mind right now? Naseem Shah. I'm not sure. I'm not sure. I'm not I'm not sure. i पाकिस्तानियों do we really care कि अब इसके बाद क्या होता है मुझे नहीं पता कि इसके बाद क्या होता है आई रियली डोंट केयर पाकिस्तानियों का ना अजीब सा पैटर्न चल पड़ा है बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में ना ये फाइनल से पहले ही कोई ऐसा मोमेंट दे देते हैं पूरी कॉम को कि कॉम कहती है फाइनल जाए भाड़ में हमने ये जो अचीव कर लिया ना इसके बाद अब हमें कुछ नहीं चाहिए सीधी सी बात है मतलब जावेद मियाँ दाद का जो छक्का था ना हिस्टोरिकल शारजा में तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था ठीक है तो बस हाइलाइट्स देख देख के हसरत रह गई थी कि जिन हमारे बड़ों ने देखा एक ऐसा मोमेंट जिसको वो भुला नहीं सकते एक अदा शाहिद अफरीदी का मोमेंट भी मिस कर दिया था लाइव मैंने लेकिन ये वाला मोमेंट मैं कहता हूं कि किस्मत वाला यार नसीम शाह जिसकी किस्मत में ये, ये मोमेंट लिखा हुआ था क्या बात है सही सही बताओ सही सही रात जाग के देखते रहे हो ना मैंने तो रात को तकिए को जब भी डालिया कुट के जेन में सोचा कि ये नसीम शाह है और सो गया उसके साथ में यार इतना मजा आया यार मैं चूमता रहा सारी रात उसको और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इंडिया की जगह अब अफगानिस्तान ले रहा है हमारी राइवलरी के अंदर क्यों ऐसा लग रहा है मुझे ना समझ नहीं आती देखो फ्रेंडली तो हम हैं ही जेंटलमैन गेम पहले भी थी अब भी थोड़ी बहुत है लेकिन अगर इस तरह की वायलेंस जो के क्राउड में कुर्सियां मार मार के दिखाई है अफगानियों ने पाकिस्तानियों के खिलाफ ये पाकिस्तानी भी करते है ना हम उनकी भी क्लास लेते ये जो भी कॉम करेगी ये बुरी हरकत है यार मतलब अच्छा खासा हमारा फोकस इंडिया पे होता है जनाब कि इंडिया को हराना है अब पता नहीं क्यों अगले टूर्नामेंट्स में ना हमें भी ना अफगानियों के साथ मैचेस में भी जज्बाती हुआ करेंगे पता नहीं क्यों डू वी रियली वॉन्ट दिस काइंड ऑफ विद अफगानिस्तान नहीं यार एक कंट्री काफी है उसके साथ चल रहा है चलने दो अब हम उसमें इमोशंस इन्वेस्ट करेंगे भाई जैसे हम इंडिया के साथ मैच में इमोशंस इन्वेस्ट करते हैं वर्ल्ड कप मैचेस बट ऐसी जीत का क्या फायदा कि जिसके बाद आप ही खो दे इखलाकी अच्छी खासी सिंपथी आप लोगों को मिल जानी थी लोगों ने अफसोस करना था यार हार गए अगर थोड़ा सा सिविलाइज तरीके से रिएक्शन देते लेकिन वो खो दिया यार आप लोगों ने मैच मुच बंदा हार जाता है लेकिन हार के भी दिल जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं यार बाजीगर बनो यार क्या कर रहे हो यार हमें देख लो हम इतना अरसा हारते रहे इतना अरसा हारते रहे हैं तीस साल का हो गया हूँ इतना हार हारे हम अब जाके जीतना शुरू किया समझ नहीं आ रही की रिएक्ट कैसे करना है हम बाय चॉइस हम्बल नहीं थे हमारी मजबूरी थी यार आज ही जब से होश संभाला है पाकिस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हमेशा नाजुक मोड़ से गुजर रही होती है भाई हम इतने हम्बल हैं हमें समझ नहीं लगती थी कि रिएक्ट करना भी है कि नहीं हार के नहीं आकड़ हमारे में पहले भी नहीं थी और होनी भी नहीं चाहिए इसलिए मैंने बताना था कि जब अगला मैच होना पाकिस्तान के साथ तो हारने वाली टीम जो भी हो वो मैदान में आए तो सिविलाइज्ड सोसाइटी बन के आना वरना इधर ना आना यार